पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के खिलाफ अपराधों की धाराओं के तहत दर्ज किए जा रहे मामलों पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ ऐसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल करके बीजेपी जेजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का विरोध करने वालों के खिलाफ ऐसी राजद्रोह की धाराएं लगाने पर आपत्ति जताई है। इसके लिए बकायदा सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने गठबंधन सरकार को नसीहत दी है, राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के बल पर किसान आंदोलन को दबाने की बजाय उसे केंद्र और किसानों के बीच कड़ी का काम करना चाहिए, क्योंकि आज हरियाणा ही नहीं बाकी राज्यों के किसान भी हरियाणा की सीमाओं पर धरनारत है। इसलिए बीजेपी जेजेपी सरकार को केंद्र के सामने इन किसानों की पैरवी करनी चाहिए, किसानों के साथ संवाद स्थापित कर सरकार को सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। हुड्डा ने कहा है कि अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसानों पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे तुरंत वापस लेने चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।